Hey guys, welcome back to my channel. My name is Rahul. You are watching the Exploring Wings. So guys, कैसा चल रहा है हालचाल? I hope, उम्मीद करता हूँ आप सब भी अच्छे होंगे. मैं हूं आपका दोस्त राहुल और मैं आज आपको दिखाने वाला हूं व्हाट विंडशील्ड आई एम इंस्टॉलिंग इन माय बाइक. ये जीवी रेसिंग की विंडशील्ड है जो मैं इंस्टॉल करने वाला हूं अपनी बाइक में. पहले भी जीवी रेसिंग की ही लगी थी, पहले ब्लैक कलर की लगी थी जिसे डबल बबल वाइजर भी कहते हैं. अभी मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा एक फुल्ली कस्टमाइज विंडशील्ड जिस पर मैंने रैप करा हुआ है, जो एक तरीके से लुक देती है सुपर बाइक का. चलो मैं आपको पहले बाइक के कुछ शॉट्स दिखा देता हूँ. हालांकि बाइक बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है, मैंने 10-15 दिन से स्टार्ट भी नहीं करी है. चलो गाइस मैं एक बार आपको बाइक दिखा देता हूँ, देख लो अभी बाइक की कंडीशन क्या हो रखी है. ढक के मैंने इधर पूरी रखी हुई है, देख लो अभी पूरी ढकी रखी है बाइक. चलो इसको ज़रा हटाते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ. पहले अपन विंडशील्ड उठा के साइड में रख देते हैं, चाबी गिर गई है फिलहाल, तो विंडशील्ड को उठा के हम लोग रख दिए. चलो आप जब तक इसके शॉट देखो इसको हटाते हुए. हालत देख लो दोस्तों बाइक की कितनी गंदी हो रखी है, बहुत ही बुरी हालात में है. बारिश वारिश आ गई थी तो इतने दिनों से तो ना तो ये साफ हुई है ना कुछ हुआ है, बहुत ही वर्स्ट कंडीशन हो रखी है अभी इसकी. देखो अभी हाल फिलहाल बाइक कुछ ऐसी दिख रही है. ये मैंने इंस्टॉल करे थे प्रोजेक्ट मोटर रॉड, इट्स अ प्रोजेक्ट मोटर रॉड विंग्स बेसिकली. 3M की टेप से चिपके हुए हैं ये और बहुत ही अच्छा स्टाइलिश लुक देते हैं. चलो पहले बाइक को थोड़ा साफ कर लेते हैं फिर आगे कुछ करते हैं. फाइनली साफ हो गई है. विंडशील्ड आती है बेसिकली इसमें एक्यूरेट छेद नहीं आते हैं, इसमें आपको थोड़े से छेद बड़े करने पड़ेंगे. आप देख सकते हो इसमें आपको थोड़े से छेद बड़े करने पड़ेंगे, देख लीजिए. ये बेसिकली सिल्वर कलर का क्रोम कलर का, इस पर सिल्वर करो क्रोम करो. ये एक रैप है जो मैंने करवाया था हार्डली, जिसके मुझे 200 पीस पेड करने पड़े थे. तो आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में विंडशील्ड है प्लस मेरे हाथ में ये कुछ टूल्स हैं. इन टूल्स की हेल्प से एक स्टार वाले जो हमारे पेच होते हैं वो खोले जा सकते हैं और लगाए जा सकते हैं. अब मैं एक एक करके पेच आपको लगा के दिखाता हूँ. तो ये देखो पहले हमें एग्जैक्टली फर्स्ट वाले में डालना है और उसको 0.2, उसके अंदर भी एक रबड़ होती है जिसके अंदर एक टाइट करने वाला कह लो एक रिंग होता है जिसमें हमारा पेच चला जाता है. और एक एक करके सारे पेचों को ऐसे ही टाइट करते रहना है
और क्योंकि इसमें एक्यूरेसी नहीं आती, अगर आप कोई भी एडिशनल विंडशील्ड लगाते हो अपनी बाइक में, तो आपको थोड़े से पहले उसके मेजरमेंट करके लेने पड़ेंगे उसके एक्यूरेट होल्स को, फिर उसको फिक्स अप आप कर सकते हो थ्रू अपना ये स्टार वाले नट से। आप उसको फिक्स अप कीजिए और आपकी विंडशील्ड तैयार हो जाएगी जल्द ही। बट आपको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, कभी कभी क्या होता है इसके पीछे जो रबड़ होती है वो गिर जाती है, तो मेक श्योर अगर आपको आदत है ऐसा कुछ DIY करने की तो आप करिए, नहीं तो आप किसी अच्छे प्रोफेशनलिस्ट से करवा सकते हैं, जो भी आपके आसपास कोई मोटर मैकेनिक हो उससे। अब देखिए जैसे फ़िक्स नहीं हो रहा था, अभी इसको फ़िक्स करा, फिर अब दूसरी चीज़ें फ़िक्स कर रहा हूँ। एक वैसी ही चीज़ें हैं जो आपको ऐसे एक एक करके सारे फ़िक्स कर लेने हैं और आपकी विंडशील्ड रेडी हो जाएगी। तो बस अभी ये 5 लग चुके हैं और एक लास्ट वाला पेच और रह गया है मुझे, बस वो और लगाना रह गया है, उसको बस लगा के और मेरा ये सारा काम हो जाएगा। और ये लास्ट वाला पेच भी मैं लगा देता हूँ, और लगा के फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसी लग रही है जब तक आप देखिए। सो फाइनली इंस्टॉल कर दी गई है ये, और आप कुछ लुक्स देख लीजिए कितने सेक्सी से। तो चलो अब बाइक का एक चक्कर मार के आते हैं और देखते हैं ये कैसा परफॉर्म कर रही है विंडशील्ड, पता चले कहीं उड़ जाए। हे गाइस, अगर आप लोग भी अपनी विंडशील्ड अपनी RS को एक अच्छा सा लुक देना चाहते हैं जस्ट लाइक दैट, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वहां से बाय कर सकते हैं, जिसमें अभी आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। यही विंडशील्ड अगर आप करोल बाग या कहीं और से जाके आप लगवाते हैं तो वहाँ पर कैसा होता है कि आपसे लगाने के चार्जेस अलग लिए जाते हैं, और प्लस आप लोगों से जो विंडशील्ड है ये मैंने अमेज़ोन से बाय करी थी, अप्रॉक्स 500 रुपीज़ की, और वो वहाँ पे जितने आपकी विंडशील्ड वो वहाँ पे आपको विंडशील्ड मिलेगी कुछ 1000 या 900 समथिंग की, और वो आपसे लगाने के 300 से 400 रुपये ले लेते हैं, ऑलमोस्ट 30-40% ऑफ योर परचेजिंग कॉस्ट, वो उनका लेबर चार्जेस कह लो आप कुछ भी कह लो वो उनका कॉस्ट होता है। चलो गाइस एक बार मैं बात कर लेता हूँ अपनी इस बाइक के मॉडिफिकेशंस के बारे में। गाइस बात करते हैं मॉडिफिकेशंस की, तो इसके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशंस इसमें हो रखी हैं। पहली चीज़ ये कस्टम विंडशील्ड, ठीक है, जो कि GP रेसिंग की है, प्लस इसके ये इलेक्ट्रिक मिरर्स जिसमें यहाँ पे लाइट जलती है, मैं आपको जला के दिखा देता हूँ। ये देखिए इसमें इधर भी इंडिकेटर फ्लैश होता है, प्लस इसमें इधर भी इंडिकेटर फ्लैश होता है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। दूसरा इसके अंदर मैंने कस्टमाइज़ करा रखा है हज़ार्ड लाइट, जो कि आपको हाईवे पे बहुत काम आता है। तीसरा मैंने इधर एक ये आप कह लो कि ये क्रोम रैप है जो मैंने करा रखा है, प्लस एक ये विंग्स बोलते हैं इसको, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर ये रैप करा रखा है, ग्राफिक ये करा रखा है, प्लस ये सारा कार्बन फाइबर रैप हो रखा है, इधर प्लेन ब्लैक रैप है, ये पूरा रैप हो रखा है आप देख लीजिए, प्लस ये टेल टाइडी एक्सटेंडर जो कि एक बहुत ही बेहतरीन लुक देता है, इससे टेल टाइडी पूरी एक्सटेंड हो जाती है। सीट्स में फॉर्मिंग करा रखी है, तो और इसका विंगलेट है जो मैंने हटा दिया था, जिसको मैंने अभी थोड़ा एक स्टॉक RS बना रखा था, अब ये फिर से मेरी एक कस्टम RS बन चुकी है। आप लुक्स देखिए और बताइए कैसे लग रहे हैं इसके क्लियर, बहुत ही क्लियर लुक्स लग रहे हैं, तो एक बार आप भी देखिएगा। और इसके अंदर मैंने एक ये
फ़ोन होल्डर चार्जर भी लगा रखा है जो कि 5 वोल्ट 2 एम्पियर का है। दैट्स इट। और ये पूरा कस्टमाइजेशन का कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली गया था 5 to 7,000 रुपीज़ ओनली, जो कि अगर आप ये सारे कस्टमाइजेशन मैंने खुद से करवाया है, और अगर ये सारा कस्टमाइजेशन अगर करोल बाग से आप करवाते हैं तो वो इसी चीज़ के आपसे बहुत ही ज़्यादा पैसे लिए जाएंगे। अप्रॉक्सीमेटली 20-25 हज़ार जो करोल बाग में दिखाते हैं। सो ऑल राइट गाइस, तो टाइम आ गया वीडियो को यहीं एंड करने का। अगर आप भी ये सब सामान बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और अगर आपको मेरे वीडियोस या मेरा काम थोड़ा बहुत भी पसंद आता है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे अपने दोस्तों एंड फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करो, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं और इस तरीके के कुछ वीडियोस आप लोगों के लिए बना सकूँ, DIY वीडियोस।